भाई वो पहचानो कौन सी गाड़ी आ गई अपने चैनल पे, किया की सेल्टोस आ गई भाई, फेस लिफ्ट वेरियंट सामने खड़ा अपने फेस लिफ्ट लेटेस्ट मॉडल भाई। वो इसका इंतजार था भाई लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल होने वाला सेगमेंट है ये भाई। इसमें मैं एक बार बता देता हूँ, इसका ही पार्टनर है होंडई, उसमें क्रेटा आती है जिसमें एक सनरूफ दिया जाता है, पेनारोमिक सनरूफ इसमें आता था छोटा वाला, पर इसमें पेनारोमिक सनरूफ दे दिया जैसा कि आप देख रहे हो सामने। सिर्फ इसी वजह से गाड़ी ये थोड़ा सा सेल में डाउन जाती थी, इसमें अब अच्छा इंक्रीमेंट आएगा सेल्स, ये भाई पीछे छोड़ देगी क्रेटा को। तो अब इसके फीचर्स इंटीरियर जो भी रहेगा ना, मैं मतलब इसमें फीचर्स क्या मिलते हैं, एक्सटीरियर कैसा है, सब कुछ इस वीडियो में कवर करता हूँ। तो भाई शुरू से बात कर लेते हैं फ्रंट से सबसे पहले, तो मैं कैमरा के सामने आ जाता हूँ भाई। सबसे पहले इसमें देखो 360 डिग्री कैमरा मिलता है, ये जो यहाँ पे प्लेस किया गया है फ्रंट का, और भाई इसमें अडास भी मिलता है, जिसकी आपको ये कैमरा के साथ अडास वाला ये जो फीचर ब्लू ब्लू कुछ दिख रहा होगा ना आपको, ये भाई अडास का फीचर है, इसमें ये मिलता है। और सबसे पहले इसमें DRS, ये देख रहे हो DRS, पहले आपको यहाँ से ऊपर से मिलते थे ना। एक बार मैं पुरानी सेल्टोस अपने पास खड़ी हो तो मैं दिखाऊं उसके, वो भी नहीं है, नहीं है, चलो आप समझ पाओ। ये वो सामने खड़ी है, पर उसको जूम मार, वो सामने खड़ी भाई, उसमें ऊपर से थे DRL, इसमें बीच में है, देखो सामने देख पा रहे हो आप, इसमें बीच में DRL काफ़ी अच्छे से आ गए। और ऐसे कुछ आपके LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसकी लाइटिंग थ्रो काफ़ी अच्छा है, जो पहले शिकायत रहती थी ना कि भाई कम है, सब इम्प्रूव किया इसमें। ये आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो आप, मैं एक बार जला के दिखाता हूँ आपको, ऐसे कुछ इंडिकेटर्स जलते हैं। पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट में भी, देखो एक ये यहाँ पे मिल गया और एक ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फोग लैंप वही भाई, तीन क्यूब में मिलते थे ना, अब चार हो गई है, 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई। फ्रंट में आपको सेंसर अडास के साथ ही है कि ये यहाँ पे भी सेंसर दिया गया है कि गाड़ी को ब्रेक मार लेती है। एक इसमें फीचर आता है कि अगर गाड़ी आपके सामने रुक गई तो पैनिक ब्रेकिंग अपने आप कर लेगी ये गाड़ी। अब भाई साइड के लुक में आ जाते, इधर से आ जाते, थोड़ा सा ऊपर नहीं गया, ठीक है। साइड के एरिया भाई डायमंड कट अलॉय मिलते हैं आपको, जो आप देख पा रहे हो किया डायमंड कट अलॉय। इसका टायर सेक्शन में बता देता हूँ, 215/55R18। आप लुक भी देख सकते हो काफी अच्छा दिया गया है, ये डिस्क ब्रेक है आपको काफी अच्छे मिलते हैं, ठीक है भाई। ये आपको और ये मिलता है इंडिकेटर यहीं पे, एक 360 कैमरा है तो आपको यहीं पे प्लेसमेंट भी दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये क्रोम हैंडल ऐसा कुछ मिल जाता है, एक ग्लाइडिंग आप देख रहे हो नीचे से होते हुए आगे सोते हुए यहाँ भी कंटिन्यू कर रही है। और ये जो क्रोम का पार्ट देख रहे हो काफी अच्छी फिनिश दे रहा है। एक चीज नोटिस करो, कलर कितना प्यारा है भाई, ये नया कलर है, बहुत प्यारा कलर है इसका। ये एक्सेसरीज का पार्ट है, जो इसमें लगा है फ्यूल टैंक आपको यहाँ मिल जाते हैं ओपनर का भाई, पीछे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रीमियम आपको ये यहाँ से पीछे से लग रही है, ये देख रहे हो आप कितनी अच्छी लाइट दी गई है यहाँ पे, कंटिन्यू करती भाई। आजकल सब ऐसा ही चाहते हैं कि पीछे से मेरी गाड़ी का लुक अच्छा है, आगे से तो आते हैं पीछे से और चाहते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो ये लाइट ब्रेक लाइट है पूरी आपको यहाँ तक होती है। LED दिया गया है भाई आपको, ये सारा सेटअप LED है, सेल्टोस की बैजिंग दी गई है। कैमरा दिखाऊं मैं आपको, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहीं पे मिलता है, 360 का भी इन्वॉल्व है इसमें, GT लाइन की बैजिंग है, GT लाइन वेरिएंट है ये, टॉप वेरिएंट है भाई, सबसे टॉप वेरिएंट हमने चूज किया उसकी, वो कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। ये आपको देखो रिवर्स पार्क, रिवर्स में लेते तो वो पार्किंग लाइट चलती, रिवर्स की रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये दो एग्जॉस्ट है दोनों भाई, आपको एक बार दिखा देता हूँ वर्किंग दोनों, एक बार नीचे से दिखा दे भाई, दोनों वर्किंग है, ठीक है। आप वही सेम साइड भाई इस साइड से आ जाते हैं, ठीक है, आपको मैंने ऐसा कुछ चेंज नहीं, ये साइड बिल्कुल सेम है, वही आपको मैं लॉक कर दूंगा तो लॉक है, तो ये फोल्ड हो गए आपके, और भी हम इसके पास जाऊंगा तो अनलॉक नहीं हुए, अनलॉक करूंगा तो आपके अनफोल्ड हो जाएंगे रूफ रेल्स, ठीक है भाई। पैनारोमिक सनरूफ वो अंदर से मैं खोल के दिखाऊंगा, शार्क फिन एंटीना आपको दिया जाता है, ठीक है। और एक चीज और मिस आउट करके, रियर में भी डिस्क ब्रेक है भाई, ठीक है, आपको यहाँ पे भी अंदर चलने से पहले की देख लो भाई कितनी मॉडर्न की है इसकी, लॉक आपको यहाँ पे मिलता है, अनलॉक आपको यहाँ पे दिया गया है, ये होल्ड रखोगे तो स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी, और ये बूट का दिया गया है भाई, ठीक है। और अब गाड़ी जैसे लॉक है
हम यहाँ से ही चाबी होनी चाहिए जेब में, अनलॉक हो जाएगी, अंदर बैठेंगे। अंदर जाने से पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपके सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं मिरर्स के और ORVMs के, सब ऑटो है, सारे ऑटो। एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको चेक कराऊं, एक मिनट भाइयों, आपको एक बार चेक करोगे, वन टच डाउन, वन टच अप। अब बैक वाला भी कर रहा हूं आपको एक बार, जो ये देख, वन टच डाउन और विद कर्टेन भी मिलते हैं, वो अंदर जाके चेक कराऊंगा। अब भी वन टच है, देखो ओवरऑल भाई। अब एक बार ये आपको ये फोल्ड अनफोल्ड का आपको यहाँ पे बटन दिया गया है, ये ORVM का एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हो। बोस के स्पीकर मिलते हैं आपको, ये दिया गया ऐसा कुछ, आपको हैंडल दिया गया, लेदर फिनिश है, देख रहे हो भाई, लेदर और सॉफ्ट टच, देख। बोतल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। और अब मेरे को आप कैमरा दो, अब मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, ये सीट, ये देख रहे हो आप भाई, एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल, ऊपर नीचे, ठीक है भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये आपकी 8-way एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। पेडल्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है। अब बैठ जाते हैं अंदर, पुश स्टार्ट बटन यहाँ पे मिल जाता है, अट्रैक्शन ऑफ का मिल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप का, ये आपका हेडलैम्प लेवलर, यहाँ पे आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑफ ऑटो मिलती है और ऑन और अप एंड डाउन डिपर का, ऐसे इवेंट्स आपके कुछ ऐसे दिए गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो आप, सॉरी, ये जो दिया गया है दो स्क्रीन, आपको एक इंफोटेनमेंट की, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, डिजिटल मिलती है, फुल्ली डिजिटल, आप देख पा रहे हो भाई। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, आप यहाँ से देख सकते हो भाई, यहाँ से चेंज कर सकते हो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है MID की, यहाँ से जैसा कि चेंज हो रहा है, इसमें दिखा रहा है आपका ट्रिप, दिखा रहा है किलोमीटर एवरेज वगैरह, और आप नीचे करोगे कंपास आ गया, ठीक है भाई। और भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं भाई इधर, ये देख पा रहे हो, ड्राइव टू डिस्प्ले और होल्ड होल्ड टू ओके, ठीक है भाई, ऐसा कुछ। स्टेयरिंग व्हील मिलता है, किया का लोगो है, ये आपका लेदर फिनिश मिलता है। स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स आपके इंफोटेनमेंट के यहाँ पे मिलते हैं, पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अप डाउन कॉल पिक का और कट का, ठीक है, और मोड का, एयरबैग यहाँ पे, क्रूज प्लस अडास, जो आपको ये यहाँ पे ये दिख रहा है ना भाई, ये अडास कितनी ज़्यादा बैजिंग दी गई, अडास फीचर मिलता है इसको, काफ़ी प्रैक्टिकल भी हम एक देखेंगे। एयरबैग एक आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, हॉर्न दबा के बिल्कुल अच्छा काम है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी कुछ है भाई इसमें कवर, ये एक डेडिकेटेड वीडियो मांगेगा बिल्कुल आपकी। ये देखो काफ़ी कुछ दिया गया है भाई इसमें, आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, एक बार मैं लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं भाई, नेविगेशन होगा, एंड्रॉइड ऑटो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दिया गया है इसमें, आप चेक कर सकते हो। और ये आपको डुअल जोन AC मिलता है, उधर का अलग कर सकते हो, इधर का अलग कर सकते हो, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, टेम्परेचर अप डाउन, ठीक है। और ये आपकी ब्लोवर कंट्रोल का सेटअप का, मीडिया का, ये थोड़े शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट के मीडिया वाला और रेडियो वाला, ठीक है भाई। मैप का मिल जाता है, एक बार थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं आपको 12 वोल्ट सॉकेट, USB और चार्जिंग का, ये आपको ड्राइव मोड दिया गया है, ये जो मोड आ गया स्पोर्ट्स मोड आ गया, ये आपका इको आ गया और ये नॉर्मल आ गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी चेंज है भाई साथ के साथ, आप देख पा रहे हो, ये आपका गियर नोब है ऑटोमेटिक दिया गया, PR ND और ये मैनुअल का भी पे कर देते हैं। वेंटिलेटेड सीट मिलती है आपको दोनों साइड, पार्किंग सेंसर ऑफ कर सकते हो फ्रंट के, ये 360 आप व्यू कैमरा ले सकते हो, मैं एक बार ड्राइव में डालूंगा तब आएगा, ये देख लो भाई 360 आपको ये दिया गया है पूरा, ये साइड में देख पा रहे हो, ये गाड़ी खड़ी है रेड कलर की और ये आगे खड़ी है, वो आगे का व्यू कर सकते हो, ठीक है भाई। मतलब काफ़ी चीज़ें दिए गए, अब तो मैं डिटेल में जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे दिखा के, ये दोनों साइड का हो गया, ठीक। अब पार्क कर देते, कैमरा जा चुका। हैंड ब्रेक आपको ऑटोमेटिक मिलती है भाई इसमें, ठीक है, ऑटोमेटिक मिलती है हैंड ब्रेक। ऑटो होल्ड का फीचर, ये आपकी कुछ
ऐसा वो दिया गया है, ट्रे ढक सकते हो। ये आर्मरेस्ट दी गई है, आर्मरेस्ट में है एयर प्योरीफायर, ठीक है भाई। और आपको ये IRVM पे ही SOS का बटन, ये टो का बटन, किया कनेक्ट का फीचर, ये सनग्लास होल्डर दिया गया है, दो लाइट मिल जाते हैं आपको LED, और एक आपको यहाँ पे सन वाइजर मिलता है, मिरर नहीं है इस पे, सन वाइजर पे एक यहाँ पे मिरर मिलता है, लाइट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर दिखाऊं भाई, सबका चहेता, पैनारोमिक सनरूफ मिल गई भाई इसमें, काफ़ी अच्छी ओपनिंग आप देख सकते हो, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी बंद, अब एक बार पीछे से और कर लेते हैं भाई बात, एक बार पीछे और चलता हूँ, पीछे से बात करेंगे क्या कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से सीट एडजस्टमेंट थी भाई, मेरी है 5'11" हाइट, उसके हिसाब से आप पीछे स्पेस देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है भाई, नी रूम लेग रूम काफ़ी अच्छा है, इंग्रेस एग्रेस भी बहुत मतलब अच्छा था, बॉस के स्पीकर आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, और थाई स्पोर्ट भी आप चेक कर सकते हो। हेड रूम चेक करूँ भाई आपको, सनरूफ होने के बाद भी आपको हेड रूम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये दो आपको AC वेंट्स मिल गए यहाँ पे, और टाइप सी कुछ आपको स्पेस मिल रहा है यहाँ पे, और ये मैट देख रहे हो कितनी अच्छी क्वालिटी के डाल रखे हैं भाई, शायद से भाई एसेसरीज का होगा, क्या पता देने भी लग गए हों। और ये बेल्ट का कुछ अलग सा नहीं लग रहा ये भाई, बेल्ट का भी कुछ अलग सा है, एडजस्टमेंट आपकी बेल्ट की भी मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, तीन हेडरेस्ट आपको पीछे मिलते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है भाई। काफ़ी अच्छे फीचर्स दे दिए गए भाई, मैं लंबी हो गई काफ़ी वीडियो, इतने ज़्यादा फीचर्स दे गए। ये कुछ ग्रैब हैंडल दिया गया आपको, सॉफ्ट क्लोज, लाइट यहाँ भी मिल जाती है, इस साइड भी आपको लाइट मिल जाती है। सबसे मस्त फीचर भाई इस पे, वैसे तो चलाने चंडीगढ़ और दिल्ली चले जाओगे वैसे ठीक है भाई, लोकल से में चला रहे हो आप, अच्छे कट्टे लगा के चला सकते हो। ऑटो डाउन ऑटो अप का फीचर दिया गया है इसमें, ठीक है भाई। अब कर देते हैं पीछे वाइपर, आपको डिफोगर, आपको ये लैंप मिल जाता है, स्टॉप लैंप, हाई स्टॉप लैंप। ये कितना कुछ अच्छा बूट स्पेस, यानी कितना बड़ा बूट स्पेस दिया गया है। स्पीकर आपको यहाँ भी मिल जाता है, सब बूफर बोलते हैं भाई, ठीक है। लाइटिंग दी गई है, पार्सल ट्रे आपको यहीं पे मिल जाती है, ये दो आपके पार्सल ट्रे को उठा लेते हैं तब आप खोलते हो भाई। डिग्गी में तो कुछ इतना ही था, एक बार मैं आपको स्टेप नहीं और चेक करूँ भाई, स्टेप नहीं ऐसी कुछ स्टेप नहीं मिल जाती है, अलॉय नहीं है, सिंपल है, जैक वगैरह के टूल आपको यहीं पर दिए गए हैं। ये एक साइज भाई 17 है, और नॉर्मल टायर थे 18, ये है 255/60/17, ठीक है। आपको इमरजेंसी किट वगैरह सब मिल जाती है, मतलब अच्छा काम किया गया है भाई, लगभग सारे फीचर्स कवर हो चुके हैं या साइड टूल्स के, ठीक है। आपको ऐसा कुछ कलर मिलता है, ये भाई प्यारा कलर लग रहा मेरे को भी, और इसकी प्राइसिंग पॉइंट देखोगे वो मैं ऐड कर दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, ठीक है भाई। लास्ट में अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स के रिलेटेड न्यू वीडियोस लाता रहता हूँ भाई, अपडेट्स के साथ साथ जैसे भी मेरे को गाड़ी अवेलेबल होती है। सबसे प्यारी तो भाई मैं लास्ट में बात करती हूँ, इसकी चाबी लगी मेरे को, सबसे प्यारी चाबी है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। ये फेस लिफ्ट किया सेल्टोस के, ये आप प्राइस लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएंट के नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे एक्स शोरूम, और ये आपको ऑन रोड तक, स्क्रीनशॉट लेके आप देख लेना एक बार जूम मार के, ठीक है।